हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय की हिंदी की कार्यपत्रिका 41 करेंगे। तो बच्चों, ये विज्ञान की है और क्लास 7th के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 21 दिसंबर की है। चाल मापना, तो हम जानते हैं कि चाल यानी जो स्पीड होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है? दूरी, जितना डिस्टेंस हमने तय किया, और समय, कितना समय हमने लिया। तो एक दिन एक स्कूल की पिकनिक होती है और जो सोनिया होती है वो घूमने जाती है। तो घूमने जाते समय सोनिया बस के द्वारा तय की गई दूरी पर ध्यान देने का फैसला किया, परंतु वह नहीं जानती थी कि ये स्पीड कैसे निकलती है। तो यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात करनी हो तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो दूरी का फॉर्मूला होता है हमारा चाल गुणा समय। तो आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल में चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय कर रही है। तो आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करती है। तो लिया गया समय कैसे निकाल सकते हैं? दूरी बटा चाल में। तो स्कूटर में आपने देखा होगा, तो स्कूटर, मोटरसाइकिल और एक आपकी वाहन, कोई कार, बस, इन सबका जो डैशबोर्ड होता है, जो मेन होता है पॉइंट, वहां पे आपने देखा होगा कि एक कोने में किलोमीटर पर आवर में चाल मानी यानी स्पीडोमीटर नाम का एक कुछ इस तरह सा यंत्र लगा होता है। तो सभी बच्चे अपने घर में जो भी व्हीकल है उसमें देखेंगे, है ना? तो ये जो यंत्र है इसमें किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में वाहन की क्या रिकॉर्ड होती है? चाल मापी। एक और अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है, और इस मीटर को क्या कहते हैं? पथ मापी, ओडोमीटर कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे पथ मापी कहते हैं। चाल मापी यंत्र किसी गंतव्य वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में बांटता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। अब समय की, समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो मैं आपको आज अपनी बहन से भी मिलवाऊंगा, उसको भी आवाज सुने। हेलो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बाय।